नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टेड भी है, इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी को। तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सेलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ये पेपर में आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 23 दिसंबर। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए कब मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को। तो चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 दिसंबर को। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 नवंबर को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मई को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जनवरी को। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। तो राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 अगस्त को। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइए शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी को। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। तो सिंचाई का दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर्स बताए तो कमेंट बॉक्स में बताइए।
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 मार्च को। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।